वेलकम टू नॉलेज प्लैटर, दिस साइड नंदिनी। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, वरना आई बटन पे टैप करो, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप ही का सपोर्ट हमें आगे ले जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, तो ये एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा चैप्टर फाइनली ख़त्म होगा। एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू कुछ जनरेट होता है सम नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट अगर रिमूव नहीं होता तो हमें बहुत तरह की बीमारी होती है, और इन दी एंड में भी हमारी डेथ भी हो सकती है। बहुत डेंजरस होता है ये टॉक्सिक, ये वेस्ट। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक, जैसे कि बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक क्रैब्स वगैरह, वो उनका डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम जो होता है एक्सक्रीट करने का वो अलग होता है। कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली एक्सक्रीट कर देते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, बट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन लाइक, वो उनके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, और हमारे ह्यूमंस के पास ऑर्गन है किडनी। ठीक, तो इन चैप्टर ह्यूमन के पास तो किडनी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट। प्लांट के पास क्या है, प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। ठीक, फिर भी प्लांट क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। अब प्लांट क्या एक्सक्रीट करता है, प्लांट के बहुत डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं लाइक ओटो रिलीज होना, ओटो कब रिलीज होता था, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। CO2 रिलीज होना, CO2 कब रिलीज होता था, रेस्पिरेशन के थ्रू। रेजिन्स, गम्स और कुछ वाटर, लीफ ऑफ फॉल ऑफ लीफ, ये सब क्या होते हैं, प्लांट्स के एक्सक्रीटरी पार्ट होते हैं। बट ह्यूमन का एक्सक्रीटरी पार्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, तो इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखता कैसा है। तो इन ह्यूमन्स, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा मेन पार्ट होता है किडनी। किडनी क्यों, क्योंकि बेसिक फिल्टर जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है, इसलिए किडनी को बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब किडनी को मेन ब्लड पहुंचाता कौन है, कोई भी ऑर्गन को ब्लड कौन पहुंचा रहा होता है, हमेशा आर्टरी पहुंचा रही होती है। आर्टरी क्या थी, हमने पहले भी जाना था, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से ब्लड लेकर आ रही हो। तो इसके पास अनप्योर ब्लड होगा, ठीक है, जिसे हम डर्टी ब्लड भी बोल देते हैं, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अनप्योर और ऑक्सीजनेटेड में कंफ्यूज मत करना। तो ये अनप्योर ब्लड लेकर आएगी, अनप्योर इन द सेंस मतलब इसके अंदर इस ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होगा, यूरिन प्रेजेंट होगा, कुछ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे जिसे किडनी को फिल्टर आउट करना है। ठीक, अब आर्टरी से हमारा जो ब्लड है अनप्योर ब्लड वो जाता है किडनी के अंदर। ठीक, अब किडनी के अंदर कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जिसके किडनी का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन होती है। वो नेफ्रॉन क्या होती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और फिर जो साफ वाला ब्लड होता है वो रेनल वेन के थ्रू निकल जाता है। तो रेनल वेन के अंदर क्या होता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और प्योर ब्लड होता है, मतलब उसके अंदर यूरिया और अमीनो एसिड की मात्रा नहीं होगी। फिर हमारा जो अब जो हमने एक्सक्रीशन से निकाला यूरिया और यूरिक एसिड निकाले, तो वो किडनी के थ्रू जाएगा इस यूरेटर वाले पार्ट में। ठीक, इस यूरेटर के पास जाएगा, दोनों यूरेटर क्या करेंगे, किडनी से यूरिन लेकर आएंगे, और उस यूरिन को इकट्ठा करेंगे कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में फॉर सम टाइम्स, मतलब यहाँ पे जो स्टोर होके रखता है हमारा यूरिन फॉर सम टाइम, जब तक लाइक ये भर नहीं जाता थोड़ा सा। ठीक, फिर उसके बाद इस यूरेथ्रा के थ्रू हमारा ब्लड के हमारा यूरिन जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सक्रीट हो जाता है, इसको हम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब हमारा मेन काम क्या है, इस किडनी को स्टडी करना, वरना इसको स्टडी करना कितना ईजी सा है। तो किडनी के बारे में देखते हैं, किडनी के अंदर से क्या होता है कि वो ब्लड को फिल्टर आउट कर पाती है, वैसे हमने अभी जाना वो क्या होता है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे,
तो अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारी जो आर्टरी होती है जो कि हमारा अनप्योर ब्लड लाई, अनप्योर में मतलब क्या है, उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है, उसके अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हमारे लिए वेस्ट है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होती है, यहाँ पे लेकर आती है और क्या, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉमिन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ये कलेक्ट हो जाती हैं जो हमारी कैपिलरीज आई हैं, ठीक। तो बॉमिन कैप्सूल में ना कुछ ऐसे होल टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होल होंगे, पोर्स होंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, इसके अंदर जो भी अमीनो एसिड है, यूरिया है, प्लस ग्लूकोज है, प्लस सम सॉल्ट्स है, प्लस बहुत सारा वाटर, ठीक है, क्या होता है ना, वो इस ट्यूब के अंदर आ जाता है, ठीक है, इसके पोर्स के थ्रू, ठीक। और क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर ये बॉमिन कैप्सूल होती है, ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। कभी कभी हमें ऐसा होता है ना कि हमने बहुत सारा एक साथ पानी पी लिया, फिर हमने बहुत टाइम तक पानी नहीं पिया, तो क्या होगा, हमें हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी को दोबारा रीअब्जॉर्ब, मतलब पानी हमारी बॉडी को दोबारा पानी कौन देता है, जब सपोज हम पानी नहीं पी पाए किसी वजह से, तो हमारी बॉडी को स्टिल पानी की ज़रूरत है, तो वो पानी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, किडनी, कैसे। अब क्या होता है कि ये बहुत सारा पानी पहले रीअब्जॉर्ब कर लेती है, पहले एब्जॉर्ब कर लेती है ये ट्यूब्स, ठीक। अब क्या हुआ, हमें सिग्नल आया ब्रेन से कि इस हमें ना पानी की ज़रूरत है, तो ये जो हमारी कैपिलरी आई थी वो फर्दर इकट्ठा होकर इन पीसीटी के अराउंड घूम रही होती है, क्यों, क्योंकि जो फर्दर इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि बहुत सारा पानी दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर पाए, कुछ ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर पाए, कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो बॉमिन कैप्सूल के थ्रू चले तो जाते हैं पर हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये हमारी जो कैपिलरी है, जो फर्दर कैपिलरी है, ये रीअब्जॉर्ब कर पाए, और इस रीअब्जॉर्प्शन को बोलते हैं सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये सब बात समझ में आ गई कि कभी भी पानी की नीड हो, सॉल्ट की नीड हो, और हमारी किडनी के पास एक्स्ट्रा पड़ी हो, तो हमारी जो ये कैपिलरीज होती है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर अब ये ट्यूब्स होती हैं, फर्दर उसके अंदर जो होता है हमारा फिल्ट्रेशन हो रही होती है, और ये जो अगल बगल जो कैपिलरीज हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर रही होती हैं, ठीक। और ऐसे करके क्या होता है कि ये कभी भी हमारी जो ब्लड कैपिलरी है, कभी भी यूरिया प्लस अमीनो एसिड, इसको कभी भी रीअब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि ये हमारे लिए वेस्ट होते हैं। फिर ट्यूब के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक। और हमारी जो ब्लड वेसल है उसने ये सब कुछ ग्लूकोज और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारी ट्यूब के अंदर क्या रह गया, यूरिया और अमीनो एसिड, ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये यूरिया अमीनो एसिड प्लस सम वाटर ऐसे करके पास हो रहा होता है ट्यूब के थ्रू, और भी जगह से ऐसे नेफ्रॉन होते हैं इकट्ठा कर आते हैं और कलेक्टिंग डक्ट पे जाके जमा हो जाते हैं। अब फर्दर क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट जुड़ी हुई होती है हमारी यूरेटर से, फिर यूरेटर से जाता है हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल कर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे यूरिन, ठीक है। अब यही कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन बाहर निकला और कहाँ पे पहुँचा, यूरेटर पे, और यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लडर पे, जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगा, फिर उसके बाद जाएगा हमारा यूरेथ्रा, जहाँ से वो आउट हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया, पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या जाना, किडनी क्या है, एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, क्योंकि ये एक मेन काम क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। अब किडनी के अंदर भी कौन है, नेफ्रॉन, क्योंकि क्या करता है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, ये मेन फिल्ट्रेशन, यहाँ पे मेन फिल्ट्रेशन हो रही होती है हमारी ब्लड की। तो हम जानेंगे कि हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, तो इन नेफ्रॉन देयर इज अ टू पार्ट, बॉमिन कैप्सूल और ट्यूब्स, जो कि हेल्प करते हैं यूरिन के प्रोडक्शन में। तो अभी हम एक एक करके जानते हैं कि इन दोनों के रोल्स क्या होते हैं। तो रोल्स ऑफ बॉमिन कैप्सूल इन प्रोड्यूसिंग यूरिन, तो उसका क्या है कि कैपिलरीज ऑफ रेनल आर्टरीज, जो कि कैरी करती है हमारा, विच कैरी अनप्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी, द
दैट कलेक्ट ऑन बॉमेंस कैप्स्यूल, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, कलेक्ट हो जाती है. एंड देन बॉमेन कैप्स्यूल कंटेन, अगर बंडल ऑफ कैपलरी, उसे ग्लोमेरस बोल देते हैं. याद है ना, हमने ऐसे करके कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया था और इसके ऊपर बंच ऑफ कैपलरीज आ रही थी, तो इसको हमने क्या बोला था, ग्लोमेरस नाम दिया था, ठीक. अब मेन फिल्ट्रेशन कहाँ होती है बॉमेंस कैप्स्यूल के अंदर भी, ग्लोमेरस में. क्यों? ड्यू टू सम पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस. किसके सरफेस पे? वोमेन कैप्सूल की सरफेस पे. इस सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट है, इसके वजह से इट फिल्टर ब्लड पासिंग थ्रू इट, ठीक है. एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर पासिस थ्रू एंड सेंड टू द ट्यूब्स. जनरली जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, यही पास कर पाते हैं. जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं लाइक प्रोटीन्स, फैट, ये पास होते ही नहीं और हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होते हैं, ठीक. जानते हैं रोल ऑफ ट्यूब्स. तो रोल क्या कर, ट्यूब्स का करती है, इट अलाउ सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, याद रखना. सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है, इन टू द ब्लड कैपिलरीज, जो कि रोल्ड अराउंड हो रखी होती है ट्यूब्स के. इट का मतलब ट्यूब, ठीक. एंड थस हमारा क्या होता है, यूरिन जो होता है प्रोड्यूस होता है, ठीक. अब सब कुछ ही निकाल दिया हमने, हमने ग्लूकोज निकाल दिया, सॉल्ट निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, तो क्या बचा, अमीनो एसिड्स और यूरिया. तो इससे हमारे, और उसी से क्या बना है, हमारा यूरिन बना है. थस जो यूरिन होता है, यूरिया, अमीनो एसिड और थोड़ा सा वाटर, ठीक. और भी सब्सटेंसेस होते हैं, पर हमारा मेन कॉम्पोनेंट यूरिन को डिफाइन करने का यही होता है कि उसके अंदर यूरिया, अमीनो एसिड और वाटर प्रेजेंट होते हैं कुछ, ठीक है. गेट कलेक्ट हो जाते हैं इनटू कलेक्टिंग डक्ट में. फिर कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, ले जाती है उस यूरिन को हमारे यूरेटर में, और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर, जिसमें स्टोर होकर रखता है 3 से 4 घंटे तक, अगर हो सके तो 3 से 4 घंटे तक स्टोर होता है. फिर हमारा यूरिन यूरेथ्रा को पास हो जाता है. यूरेथ्रा क्या है, एक ओपनिंग है, फिर हमारा यूरिन आउट, ठीक. ऐसे हमारा एक्सक्रीशन हो गया. हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आर्टिफिशियल किडनी, इसे ह्यूमोडायलिसिस भी कहते हैं. अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं ना, किडनी फेलियर हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई शुगर की वजह से. कभी कभी वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन या फिर कुछ एसिड होते हैं ऐसे, जो वो खा लेते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उनकी किडनी काम करना बंद कर देती है. और कभी कभी कुछ मोटे से लोग होते हैं, जिनकी क्या होती है, किडनी ब्लड के अंदर फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पास नहीं हो पाता और किडनी जो होती है काम करना बंद कर देती है. तो बहुत सारे रीज़न है किडनी फेलियर होने के. तो जिनकी किडनी पूरी तरीके से फेल हो जाती है, उनके भी ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए कुछ ज़रूरी होता है, और वो काम करता है हमारा आर्टिफिशियल किडनी, ठीक. क्योंकि ये किडनी बहुत वाइटल ऑर्गन है, अगर ये काम नहीं करेगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. अब क्या होता है ना, इसमें जैसे कि हमारा ये ह्यूमन है एक, ठीक. तो ह्यूमन की एक आर्टरी, जो रेड वाली दिख रही है आर्टरी है, ठीक है, और ये जो ब्लू वाली दिख रही है वो वेन है. वो क्या करेगी, अनप्योर ब्लड ले जाएगी. इसका मैकेनिज्म से हमारी किडनी जैसा है, ठीक. अनप्योर ब्लड ले जाएगी तो उस, वो भी एक मशीन के अंदर, इसे हम डायलाइजर बोलते हैं. अब इस मशीन का काम क्या होता है, जो हमारी किडनी का काम क्या होता है, हमारा ब्लड को प्योर करना. तो ये अनप्योर ब्लड ले जाएगी, फिर इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिसके वजह से, सॉल्ट्स वगैरह, जिसकी वजह से हमारी जैसे किडनी के अंदर ब्लड प्योरीफाई होता है, वैसे इस मशीन के अंदर होगा. फिर जब हमारा ब्लड पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाएगा, लाइक ये जो ऐसे ना ऐसे करके एक यूरिन निकालेंगे, ठीक, और हमारा जो प्योर सा ब्लड होगा वो वेन के थ्रू बॉडी के अंदर आ जाएगा. और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम होता है, इसलिए किडनी फेलियर बहुत डेंजरस है. क्योंकि हम ये रोज़ करवाने नहीं जा सकते, और अगर रोज़ नहीं करवाएंगे, जिसकी किडनी फेल होगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है. समझ में आ गया, तो हमारा चैप्टर एंड यहीं पे होता है, फाइनली एंड हुआ, ठीक. तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब. और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी.